हेलो एवरीवन वेलकम टू डॉक्टर गुंजन क्लासेस माई सेल्फ डॉक्टर गुंजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू दी अनदर पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर वन लाइफ प्रोसेस ये आपकी क्लास टेंथ की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जो कि यूनिट नंबर टू के नीचे आता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग सो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं जैसे कि इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं इनफैक्ट जो ट्रांसपोर्ट भी है उसमें भी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमंस में होता है उसके हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है फिशेस का टू चैम्बर्ड होता है और ब्लड का पूरा फ़्लो हम लोग इसमें स्टडी कर चुके हैं सो so, आज हम ट्रांसपोर्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में सो कमिंग बैक टू द वीडियो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ट्यूब्स ट्यूब्स क्या क्या कौन सी कौन सी होती हैं आर्टरीज बेंस और कैपिलरीज इनके बारे में पढ़ेंगे एंड देन प्लेटलेट्स की मेंटेनेंस के बारे में हम प्रोसेसिंग को पढ़ेंगे और लिम्फ क्या होता है लिम्फ भी एक किस्म से ब्लड प्लाज्मा का एक टाइप ही है ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है ठीक है so, सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो सो so, सबसे पहले ब्लड प्रेशर बी सो so, बी तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा वर्ड So, जो बीपी है ये हर किसी के घर में सुनने वाला एक आम सा शब्द है ठीक है जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं सो so, ब्लड प्रेशर होता क्या है ब्लड प्रेशर वो होता है कि जो ब्लड ब्लड एग्जर्ट करता है ये वॉल्स की जो ये वेसल है इसकी वॉल्स के अगेंस्ट ठीक है कोई भी प्रेशर ठीक है दिस प्रेशर यू कैन सी ये एक ये एक वेसल है इसमें जो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है अगेंस्ट देयर वॉल्स दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर सो इट इज़ अ फोर्स ब्लड एग्जर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर जबकि आर्टरीज के केस में ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू द वस सो आर्टरीज की वॉल भी थिक होती है और आर्टरीज़ का क्या काम है आर्टरीज़ का काम है कि जो ऑक्सीजनेटेड uh, ब्लड है हार्ट से वो पूरी बॉडी तक पहुंचाना ठीक है तो इसके लिए जो इसमें आ, हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इसलिए आर्टरीज़ की वॉल थिक होती है राइट right? और वेंस का काम है कि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से कलेक्ट करके वो हार्ट तक पहुँचाना जस्ट इन वन सिनेरियो जो है वेंस जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जब लंग्स ऑक्सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती हैं हार्ट की तरफ तो वो वेंस लेकर आती हैं बाकी सब सिनेरियोज में वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं सो चलो अब हम बात बात हम एक्चुअली कर रहे थे बीपी की सो ब्लड प्रेशर क्या होता है ये एक ऐसी फोर्स है जो वॉल्स के आ, आ, वेसल की वॉल्स के अगेंस्ट एग्जर्ट की जाती है अब इसको मेजर कैसे किया जाता है इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज स्विग्मोमैनोमीटर सो स्विगमो मैनोमीटर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सो यू जस्ट ब्रेक डाउन दिस वर्ड स्विगमो मैनो एंड देन मीटर स्फिग्मो मैनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट जो बीपी को मेजर करता है एक ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से आता है या आजकल एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इस तरह से भी आने लग गया है ठीक है और अब इसमें दो तरह के प्रेशर्स होते हैं बीपी के अंदर फर्स्ट प्रेशर है सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकंड प्रेशर इज डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक का बेसिक मीनिंग साइंस की टर्म में होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायास्टोल का मीन बेसिक मीनिंग होता है रिलैक्सेशन ये आप याद रखेंगे और जो सिस्टोलिक प्रेशर है सिस्टोलिक प्रेशर का की वैल्यू होती है 120 ट्वेंटी एम एम मर्करी मिलीमीटर इन मर्करी एंड जबकि डायास्टोलिक प्रेशर की वैल्यू होती है 80 एम एम मर्करी तो ये एक आम घर में बोला जाता है ना कि ऊपर वाला बीपी कितना है 120 नीचे वाला कितना है 80. और इसकी यूनिट्स को याद रखेंगे ये एग्जाम्स में प्रॉपर आप लोगों ने लिखनी है एक ये क्वेश्चन बहुत आता है वन मार्क्स में कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट डी को मेजर किया जाता है सो so, स्विग्मो मैनोमीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट तो अब सिस्टॉलिक प्रेशर क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर आर्टरीज में देखा जाता है जब वेंट्री वेंट्रिकल्स की क्या होती है कॉन्ट्रैक्शन होती है और डायास्टॉलिक प्रेशर भी आर्टरीज में देखा जाता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन ठीक है सो जब वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन होती है तो डायस्टॉलिक प्रेशर होता है जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सिस्टॉलिक प्रेशर होता है अब ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इट इज 120, जो आइडल रहता है 120 ट्वेंटी बाई एटी राइट सिस्टॉलिक प्रेशर इज वन एट वन ट्वेंटी हाई बी हाई बी एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी बीपी का बढ़ जाना ठीक है बीपी का बढ़ जाना दैट दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन और ये कब होती है ये आर्टीरियोस कॉज करते हैं जब इनके अंदर ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और ये क्या कर सकते हैं इट लीड्स टू रप्चर ऑफ द आर्टरी आर्टरी को रप्चर करके उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं उसके अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो सकती है जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है सो हाइपर टेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कॉमनली देखी जाती है और इसका कॉज क्या है ये आर्ट्री को रक्चर करके इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकता है सो आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर विद यू बी पी ब्लड प्रेशर एंड देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक दैट इज़ ट्यूब्स सो ट्यूब्स हमारे पास तीन तरह की ट्यूब्स होती हैं जिसे हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं फर्स्ट इज़ आर्टरीज़ सेकेंड इज बेन्स एंड थर्ड इज़ कैपिलरीज सो हम एक एक करके बात करने वाले हैं सबसे पहले हम लेंगे आर्टरीज को आर्टरीज ठीक है ये आप देख सकते हैं आर्टरीज तो आर्टरीज मैंने अभी क्या बताया आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड किस डायरेक्शन में जाता है ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी सो यू कैन Uh, to, uh, go and watch that video. So arteries जो हैं वो oxygenated blood carry करती हैं तो वो blood जाता है heart से heart कहाँ पर pump करता है different body parts में So different body parts में arteries क्या करती हैं blood को carry करती हैं So वो एक under pressure काम high pressure के उसमें काम किया जाता है इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं सो so ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टरीज की थिक इलास्टिक वॉल्स क्यों होती हैं क्योंकि आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स और जो कि हार्ट से ब्लड इमर्ज होता है दैट इज़ अंडर वेरी हाई प्रेशर जिसके कारण इनकी वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं जबकि वो ऑर्गन या टिश्यूज तक पहुंचने के बाद आर्ट्रीज फर्दर डिवाइड हो जाती है स्मॉलर ब्रांचेस में जैसे एक आर्ट्री है ये आगे फर्दर छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी सो so, इनको क्या बोला जाता है दिस इज कॉल्ड आर्ट क्या बोला जाता है आर्टरीज का छोटा ब्रांच को क्या बोला जाता है आर्ट जो कि ब्लड को कॉन्टैक्ट में लाती हैं सारे सेल्स के राइट सो दिस इज अबाउट द आर्ट्री सेकंड आ जाता है हमारे पास वेंस सो वेंस ये भी एक किस्म की ब्लड वेसल्स हैं वेंस क्या करती हैं वेंस डीऑक्सीजেনেটেড ब्लड डीऑक्सीजেনেটেড ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बेसिकली इनका जो बेसिक है फंक्शन वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करने का है जो कि सारे बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को उठा के कहाँ लेकर जाती है हार्ट के पास सो दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट ये देखिए आप इस पिक्चर में देखिए इसमें क्या होगा हार्ट से ब्लड आ रहा है हार्ट से ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ पे आर्टरी ने ले लिया उसको आर्टरी आगे चली गई आर्टरी ने आगे ब्रांचेस कर दी जिसको हम लोग आर्टीरियोल बोलेंगे फिर उसके बाद कैपिलरीज बन जाती हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं ठीक है फिर वो आगे वे, वेंस कैपुलरीज फर्दर वेंस बन जाती हैं वेन्स वे, सॉरी वेंस को देती हैं कैपेंस क्या होती हैं वेंस जो ये ब्लड है आर्टरीज ने तो ब्लड दे दिया सारे बॉडी पार्ट्स को जिसमें ऑक्सीजन था अब वेंस ने क्या किया सारे सेल्स में से जो वेस्ट प्रोडक्ट था वेस्ट प्रोडक्ट क्या है हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड उस वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा किया और उसके बाद वो वापस कहाँ ले गई हार्ट के अंदर राइट right? इनके पास कोई भी थिक वॉल नहीं होती क्योंकि ये कोई भी प्रेशर के अंदर काम नहीं करती दीज आर मूविंग टूवर्ड्स द हार्ट नॉट अवे फ्रॉम द हार्ट सो इनके पास वॉल्स होती हैं ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे ओके okay? सो so, वॉल्व्स होती हैं जो कि क्लोज कर देती हैं जैसे आगे जाते रहते हैं ताकि ब्लड फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन ओके दैन देन वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड ब्लड वेसल दैट इज थर्ड ट्यूब कैपिलरीज सो कैपिलरीज सबसे छोटी वेसल्स होती हैं जिनकी वॉल्स जो हैं वो वन सेल की बनी होती हैं वन सेल्थिक वॉल होती है सो स्मॉलेस्ट वेसल इज कैपिलरीज सो इस वॉल के थ्रू क्या होता है इसका फंक्शन क्या है ये एक्सचेंज करती हैं कौन सा मटीरियल मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं ब्लड में और सराउंडिंग सेल्स में सो so, जो ये एक्सचेंज है ये कौन करता है कैपिलरीज सो ब्लड और सराउंडिंग सेल्स में ये कुछ मटेरियल्स को एक्सचेंज करती हैं और ये बाद में ज्वाइन करके वेंस बन जाती हैं जो कि बात की थी ये इस तरह से ज्वाइन करके वेंस बन जाती हैं और जो कि ब्लड को सारी बॉडी पार्ट से दूर ले जाकर हार्ट को दे देती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सो so, सबसे पहले हमने क्या बात करी हमने इसमें बात करी बीपी की उसके बाद हम लोगों ने वेसल्स की बात करी ट्यूब्स की बात करी तीन तरह की होती हैं आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आ रहा है दैट इज़ मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स सो इसमें क्या होता है इसमें जैसे कोई भी इंजरी गई किसी को उसमें क्या होगा खून निकलेगा ब्लड लॉस होगा लीकेज हो जाएगी जिसके कारण बॉडी में क्या होगा वहाँ पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर जाएगा कम हो जाएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी यहाँ पे काम आएगी अब तो उसको क्लॉट भी तो करना है अब खून निकले जा रहा है किसी चोट से तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे अगर आपको छोटी सी कोई चोट लगती है थोड़ी देर बाद वो खून अपने आप बंद हो जाता है वो कैसे बंद होता है वहाँ पर क्लॉट बन जाता है ठीक है तो ये काम क्या करते हैं इसको अवॉइड करने के लिए प्रेशर उसमें प्रेशर कम हुआ खून निकला तो प्रेशर कम हुआ ठीक है तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी आती है इस चीज़ को इस प्रेशर को अवॉइड करने के लिए रिडक्शन इन प्रेशर सो प्लेटलेट सेल्स क्या करते हैं उस उस लीकेज को ठीक है उसको क्लॉट कर देते हैं जिस जिस यहाँ पे इंजरी हुई थी वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है राइट सो दिस इज़ ऑल डन बाय द प्लेटलेट्स इसके बारे में एनसीआर में आपके सिर्फ अभी इतना ही है इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो हम लोग इसको फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे अगर आप स्टिल यू वॉन्ट टू लर्न तो आप मेरी हायर क्लासेस की वीडियोज में आप इसको देख सकते देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज लिम्फ लिफ के बारे में हम बात करेंगे ये भी एक टिश्यू फ्लूड ही है राइट right? सो so, ये कैपिलरी वॉल्स में कुछ पोर्स होते हैं ठीक है चीके? जहाँ से हमने बात करी कि एक्सचेंज होता है एक्सचेंज होता है ना इंटर सेलो स्पेसिस में एक्सचेंज होता है ना, तो उसमें क्या चाहता है कौन सा मटेरियल की बात हो रही थी वहाँ पे, कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स और कुछ ब्लड सेल्स एस्केप कर जाते हैं इंटर सेलो स्पेसिस में टिश्यूज़ के अंदर जो कि लिव फॉर्म कर देते हैं ठीक है ये ब्लड प्लाज्मा की ही तरह होता है बस फर्क क्या है ये ब्लड प्लाज्मा से कलर लेस होता है और इसके अंदर लेस प्रोटीन होता है क्या होता है इसमें लेस प्रोटीन होता है और जो ये इंटरसेलर स्पेसेस में लिम्फ जो है वो फर्दर किसमें ड्रेन कर जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो कि एक बड़ा सारा लार्ज लिम्फ वेसल बना के उसको फाइनली ओपन करते हैं किसमें लार्जर वेन्स में सो so, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक अलग टॉपिक है लिम्फ इसमें लिम्फ़ के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्या करेंगे लिम्फ़ भी एक किस्म से एक टिश्यू फ्लूड ही है ठीक है ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है ये एक टिश्यू फ्लूड है इसमें काम क्या है यहाँ पे पोर्स होते हैं कैपिलरी वॉल्स में जहाँ से कुछ प्लाज्मा कुछ प्रोटीन्स और कुछ ब्लड सेल्स जो हैं वो इंटर सेलोर में लीक कर जाते हैं स्केप कर जाते हैं ठीक है सो वो उसमें जाके क्या बना देते हैं लिम्फ बना देते हैं और ये बन गया लिम्फ लिफ किस किस तरह का होता है ब्लड प्लाज्मा का पर ये क्या होता है कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन कम होता है अब इंटरसेलोर स्पेसिस में जो लिम्फ होता है वो किस में ड्रेन कर जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में किस में कर जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन करके एक बड़ा सारा लिम्फ वेसल बना देते हैं लिम्फेटिक वेसल बना देते हैं ठीक है चीके? और वो लिम्फेटिक वेसल किस में ओपन होता है एक लार्जर वेन में इसमें ओपन होता है एक लार्जर वेन में ओके okay? और लिम्फ क्या-क्या कैरी करता है इसका फंक्शन क्या है फंक्शन क्या है लिम्फ का लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टिव फैट को इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन से उसने क्या लिया डाइजेस्टिव फैट लिया ठीक है और एक्सेसिव जो फ्लूइड था उसको ड्रेन कर दिया फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस वापस से ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड जो इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में एक्सेस सेस फ्लूड था उसको वापस उसने ड्रेन कर दिया ब्लड के अंदर ठीक है सो दिस इज़ अबाउट योर लिव टिश्यू आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर विद यू इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज डाउट्स सजेशंस यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू सो मच बै टेक केयर हैव अस डे